नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने ही चैनल स्टडी फॉर एग्जाम्स में। बात करेंगे जो टॉप 20 करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चली हुई उसके थर्ड पार्ट के बारे में। ये 20 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड अपडेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8564880530 पे। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं पांचों, इसमें जाके आप इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं 7838692618 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने कुदक्रमिया वंश की ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है? गोवा में की, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महिला को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, निर्मला सीतारमण जी को। फिर नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित किया गया है? बियरिट्स फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने रुपए देने का ऐलान किया है? 6000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, सी। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सभी मुस्लिम मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने किस देश के लिए एक बार फिर से अपनी सेवा विमान सेवाएं शुरू कर दी हैं? पाकिस्तान के लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा स्पिनर 40 वर्ष की आयु में 100 वनडे मैच खेलने वाला अपने देश का दूसरा स्पिनर बन गया है? इमरान ताहिर जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक बार फिर से देश की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई? ONGC कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी सरकारी कंपनी है ये। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 5G के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? चीन ने दी है, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद किस देश की संसद ने जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ब्रिटेन ने। ICC के द्वारा पहली बार जारी की गई 80 टीमों की वर्ल्ड 20 रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, वोडाफोन एम पैसा और फोन पे पर किसने नियमों के उल्लंघन का जुर्माना लगाया? RBI ने लगाया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, रूस में खेले गए एलिएव टूर्नामेंट में भारत के पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर को MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व क्षेत्र से पहली पार्टी का नाम बताएं जिसे हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP को, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दिल्ली NCR हरिद्वार जयपुर महाराष्ट्र के कुछ शहरों में टोप्ड मिल्क लॉन्च किया गया है? टोप्ड मिल्क किसने लॉन्च किया है? पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर वकील मोहित माथुर को किस हाईकोर्ट का अध्यक्ष और अभिजात को सचिव नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, हाल ही में किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौखंडी स्तूप को। तो ये थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड अपडेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।